हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में आज अपन करेंगे यूनिट नंबर 4.3.1, प्रोविजंस फॉर एडवांसेस कवर्ड बाय ईसीजीसी और डीआईसीजीसी गारंटी। इसका अपन करेंगे आज इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपके जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो बहुत ही आसानी से हो जाए, ठीक है ना। तो देर किस बात की, फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इसको भी आसान बनाते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान की बातें, प्रोविजनिंग फॉर एडवांसेस कवर्ड बाय ईसीजीसी डीआईसीजीसी गारंटी। इन द केस ऑफ एडवांसेस गारंटीड बाय एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, मतलब आपका ईसीजीसी और डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी डीआईसीजीसी, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट ऑफ एडवांस आउटस्टैंडिंग इन एक्सेस ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय द कॉरपोरेशन। बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश हो गई, अभी मैं इसको एक मिनट में हिंदी में कन्वर्ट करती हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, जो हमारे आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ठीक है, जो हमारे एडवांसेस का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, देखो यहाँ बता देती हूँ, जो हमारे एडवांसेस का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसमें से जो ईसीजीसी से कवर है, ठीक है, उसके एक्सीड में बाकी का जो बैलेंस बचा है सिर्फ हमें उस पर प्रोविजन क्रिएट करना है, यानी कि इस पर प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसका पूरी बात का क्रक्स क्या है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी अमाउंट ईसीजीसी ने कवर किया है उसको आप मत लीजिए, ठीक है ना, बाकी पर प्रोविजन क्रिएट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसमें से जो ईसीजीसी ने कवर कर रखा है उसको आप छोड़ दीजिए, जो बाकी का बचा उस पर प्रोविजन क्रिएट करना है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, इन केस द बैंक ऑल्सो होल्ड्स अ सिक्योरिटी रेस्पेक्ट ऑफ एन एडवांस गारंटीड बाई ई सी जी सी डी आई सी जी सी, द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिफोर द ई सी जी सी डी आई सी जी सी गारंटी इज ऑफ सेट। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जिस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ई सी जी सी ने अपनी गारंटी दे रखी है, अगर उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर कोई सिक्योर्ड पोर्शन भी है, यानी अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और उसमें कुछ सिक्योर्ड पोर्शन भी है, तो पहले आप क्या करिए, उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से सिक्योर्ड पोर्शन माइनस कीजिए। अब जो बचा अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से सिक्योर्ड माइनस कर दिया तो क्या बचा होगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन। अब उस अनसिक्योर्ड पोर्शन पर आपको ईसीजीसी परसेंटेज लगानी है, ठीक है, और ये जो आप परसेंटेज यानी कि ये जो यहाँ पर अमाउंट आएगा उस पर आपको प्रोविजन क्रिएट नहीं करना है। अब जो आपका अमाउंट आएगा उस पर क्रिएट करना है। तो इफेक्टिवली दोनों बातों में यही कह रहे हैं कि जो ईसीजीसी ने कवर कर रखा है उस पर आपको प्रोविजन क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर क्या था, अगर कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी हो तो डायरेक्ट जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर ईसीजीसी का परसेंटेज लगाइए और जो बचा उस पर प्रोविजन क्रिएट कर दीजिए। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर कोई सिक्योरिटी है तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो पहले आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस में वो सिक्योर्ड पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर आपको ईसीजीसी का परसेंटेज लगाना है, और उस पर तो करना नहीं है, प्रोविजन क्रिएट किस पर करना है, इस पर, ठीक है। उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, बाकी तो हम
जब क्वेश्चन करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जो सिक्योर्ड पोर्शन है ना, एक और बात, और जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसकी वैल्यू कौन सी लेनी है, रिलाइजेबल वैल्यू। यानी यहाँ पर जो हम सिक्योर्ड पोर्शन की यहाँ पर जो अमाउंट माइनस कर रहे थे ना, लेस कर रहे थे, वो कौन सा लेना है हमें, रिलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना, 4 लाख। ECGC ने कवर कितना कर रखा है, 50%। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे हो सकता है, अभी सिक्योरिटी दे नहीं रखी, अगर सिक्योरिटी नहीं दे रखी होती तो हम डायरेक्ट 4 लाख पे 50% लगा देते, लेकिन हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, इसके पीछे भी क्वेश्चन है। तो देखो पीछे क्या क्वेश्चन लिखा है, पीरियड फॉर विच द एडवांस हैज रिमेन डाउटफुल। बोल रहे हैं ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको दिख रहा है ये कब से डाउटफुल में है, कब से डाउटफुल में है, कितना पीरियड हो गया इसको, हो गया मोर देन 3 ईयर्स रिमेन डाउटफुल, ये डाउटफुल में मोर देन 3 ईयर्स हो गया। देखो देखो आ गई इंपॉर्टेंट बात, अब तक हम इसे कैसा समझ रहे थे, ऐसा क्वेश्चन कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे रखा है, ECGC परसेंट लगा देंगे और यहाँ पर हमारा जो जिस पर प्रोविजन क्रिएट करना है वो बैलेंस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नया पॉइंट उन्होंने बोला है, सिक्योरिटी भी हेल्ड की गई है, यानी कि यहाँ पर सिक्योर्ड पोर्शन भी पहले माइनस होगा। सिक्योर्ड की वैल्यू कितनी है देखो, 1,50,000। अब यहाँ पर उन्होंने बोला था कि सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो कौन सी माइनस करनी है, रिलाइजेबल वैल्यू, लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू पता ही नहीं है कि कौन सी है, तो हम यहाँ पर अज्यूम करके चलेंगे कि कौन सी वैल्यू है, रिलाइजेबल वैल्यू, ठीक है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है वो तो हमें पता ही है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रोविजन्स। तो हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन, आ जाओ फटाफट नोटबुक पर, अब हम इसे आराम आराम से अच्छे से करेंगे, तब हमें इसकी प्रेजेंटेशन भी और जिसको अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आया हो उसको भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, सारा अमाउंट लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 4 लाख रुपीस। ठीक है, ये अपने मॉड्यूल में गिवन है। इसमें से हमें पहले क्या डिडक्ट करना है, क्या डायरेक्ट इस पर ही ECGC का परसेंटेज लगा दें, बोलो क्या डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ही ECGC का परसेंटेज लगा दें। नहीं, जिस लोगों ने भी नहीं बोला है बहुत अच्छे, डायरेक्ट इस पर नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें रिलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी की दे रखी है। तो पहले अपन रिलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी की डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, उसके बाद ही ECGC का परसेंटेज लगाएंगे। तो पहले अपन क्या माइनस करेंगे, रिलाइजेबल वैल्यू किसकी, सिक्योरिटी की, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि हम कौन सा पोर्शन माइनस कर रहे हैं, सिक्योर्ड पोर्शन। ये कितना गिवन है, ये हमें दे रखा है 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, तो बताओ आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से अगर सिक्योर्ड पोर्शन हमने माइनस कर दिया तो बचा क्या, अनसिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो 4 लाख में से 150 माइनस करेंगे, ये आपका बच गया 250। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से सिक्योर्ड माइनस किया अनसिक्योर्ड, अब जाके हम लगाएंगे इस पर ECGC का परसेंटेज। तो अब अपन माइनस करेंगे जो ECGC से कवर है, ECGC कवर, ECGC कितना कवर है, हमें दे रखा था देखो 50%, कहाँ गया आपको दिख रहा है कि नहीं, ये रहा 50% ECGC कवर, 50% किसका लगाएंगे, ये जो भी आया है ना अनसिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड बैलेंस,
लेस कर देंगे ECGC कवर जो कि है 50% ऑफ अनसिक्योर पहले 250 का 50 निकालोगे तो आ जाएगा 125,000। अब अनसिक्योर पोर्शन में से अगर हमने ECGC माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, नेट अनसिक्योर पोर्शन, नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बताया था, मेन बात उन्होंने क्या बोला है कि हमें इस पर जो ECGC से कवर है उस पर हमें प्रोविजन नहीं बनाना है। ठीक है ना, हमें हमारा आधा काम हो चुका है, बस हमें अब प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है, तो आओ फटाफट प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन फॉर सिक्योर्ड पोर्शन। अच्छा एक और बात बताना, किस पर हमें प्रोविजन क्रिएट नहीं करना है, जो ECGC से कवर है, यानी कि इस पर हमें नहीं करना है। तो किस पर करना है, एक करेंगे हम सिक्योर्ड पोर्शन पर और एक अपन करेंगे अनसिक्योर्ड पोर्शन पर। ठीक है, तो पहले सिक्योर इस पर तो करना नहीं है। ठीक है, पहले किस पर करेंगे, सिक्योर्ड पोर्शन पर 150,000, 150,000। ठीक है, अच्छा ये सिक्योर्ड पोर्शन है, सिक्योर्ड पोर्शन में तो तीन तरीके की परसेंटेज होती थी, याद है आपको, एक बार मैं आपको नोट्स में से दिखा दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सिक्योर्ड पोर्शन में हमारी तीन तरीके की परसेंटेज है प्रोविजन की, 25%, 40% एंड 100%। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था ये कौन से है, ये डाउटफुल कैटेगरी में आए हुए इनको कितना हो गया, 3 ईयर्स। डाउटफुल कैटेगरी में आए हुए इन्हें कितना हो गया, मोर देन 3 ईयर्स। तो इन पर कौन सी परसेंटेज लगेगी, मोर देन 3 ईयर्स वाली, दैट इज 100%। तो सिक्योर्ड पोर्शन में ये कौन सी कैटेगरी है, थर्ड वाली, मोर देन 3 ईयर्स। तो 150,000 पे अपन कितना करेंगे, 100%, कितना आ जाएगा, 150,000। तो हमने इस पर लगा दिया, इस पर लगाना नहीं है, कौन बचा, 125,000। अब प्रोविजन किस पर लगा रहे हैं, सिक्योर्ड पर तो लगा दिया, अनसिक्योर्ड पर, अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है अनसिक्योर्ड, 125,000। और अनसिक्योर्ड में तो डायरेक्टली क्या करते हैं, हम 100% लगाते हैं, हमारी नोट्स में भी है, डाउटफुल डेट्स अगर अनसिक्योर्ड हो तो उस पर कितना लगता है, 100%। तो आ जाएगा 125,000। तो टोटल प्रोविजन कितना हो गया, 150 प्लस 125, ये हो गया 275,000। ठीक है ना, ये हो गया आपका टोटल प्रोविजन। एक बार फिर से देख लो, क्या करना था, हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ECGC कवर का परसेंटेज लगाना था, लेकिन वहां पर लिखा जाए कि अगर वहां पर रिलायजेबल वैल्यू सिक्योरिटी की दे रखी हो तो पहले आपको रिलायजेबल वैल्यू सिक्योरिटी की लेस करनी है, यानी कि सिक्योर्ड पोर्शन को पहले लेस करना है, उसके बाद ही ECGC कवर लगाना है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसमें से रिलायजेबल वैल्यू सिक्योरिटी की माइनस कर दी, अगर हमने सिक्योर्ड पोर्शन माइनस कर दिया तो क्या बचा, अनसिक्योर्ड पोर्शन। फिर हमने अनसिक्योर्ड पोर्शन पर ECGC का कवर लगा दिया 50%, तो 250 का आ गया 125, और इससे आ गया हमारा नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस। अब हमारा काम आधा हो चुका है, अब जस्ट हमें क्या लगाना है, प्रोविजन। प्रोविजन हमें इस पर तो क्रिएट करना नहीं है जो ECGC है, ठीक है, इस पर तो करना नहीं है, तो किस पर करेंगे, कौन बचा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड कितना है 150 और अनसिक्योर्ड कितना है 125। अनसिक्योर्ड पे तो हर बार 100% लगता है, लेकिन सिक्योर्ड पोर्शन पे 100% तब लगता है जब ये डाउटफुल कैटेगरी में आए हुए मोर देन 3 ईयर्स हो गए, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि इसे मोर देन 3 ईयर्स हो गए, इसलिए हमने इसे 100% लगा दिया। उम्मीद है हमारा इस क्वेश्चन का रिविजन भी हो चुका, कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इन तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया हो,
और इसकी प्रेजेंटेशन भी समझ में आई होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर इस तरीके की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है देन हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब तो करना ही बनता है, आए हो तो ठीक है, जुड़ो होगी कैसे फैमिली से। ओके, इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।